चार्ज पर पावर सेक्टर बाद बिजली कंपनियों में खाली चल रहे प्रशासनिक पदों से जुड़े हुए पिछले लंबे समय से सीएमटी से लेकर निदेशक तक के पद खाली पड़े हैं और इन सभी अहम पदों पर अतिरिक्त चार्ज के भरोसे काम चलाया जा रहा है। आरवी यूएनएल के सीएमटी के पद की देवेंद्र श्रृंगी को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है, लेकिन अजमेर डिस्कॉम एमडी पद का केपी वर्मा को चार्ज दिया हुआ है। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के एमडी का भी आईएएस भानुप्रकाश एटूरू को चार्ज। इसके अलावा जयपुर डिस्कॉम के तकनीकी निदेशक, आरवी यूएनएल में निदेशक, आरवी पीएनएल तकनीकी निदेशक, निदेशक ऑपरेशन जोधपुर डिस्कॉम में तकनीकी निदेशक, इसके अलावा अजमेर डिस्कॉम तकनीकी निदेशक के पद का अतिरिक्त चार्ज संभाल रहे हैं टेक्नोक्रेट। चिंता की बात यह है कि 3 महीने के बाद शुरू होने वाला है रबी का महत्वपूर्ण सीजन और इस सीजन में किसानों को बिजली आपूर्ति के लिए बड़े स्तर पर प्लानिंग करनी होती है, लेकिन खुद प्लानिंग करने वाले टेक्नोक्रेट्स अपने भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं। ऊर्जा विभाग इन महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए आवेदन भी मांग चुका है, लेकिन प्रोसेस जो है वो आखिर कहां पर अटक जाता है ये समझेंगे हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा से। विकास जी, जरा बताइएगा विस्तार से, आखिर परेशानी, दिक्कत, समस्या कहां पर आ रही है? क्यों टेक्नोक्रेट अपने भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति में, क्यों कोई तोड़ नहीं निकल रहा और जो खाली पद है वो क्यों नहीं भरे जा रहे? देखिए, बिजली कंपनियां जो है वो पिछले, अगर बात करें 1-1.5 महीने से, तो अपने कटाक्ष के लिए काफी चर्चाओं में रही है। जिस तरह से बिजली का संकट रहा, लोगों को कटौती का सामना करना पड़ा, उस बीच में सबसे महत्वपूर्ण सवाल अब एक बार फिर से खड़ा हो गया है। वो सवाल यह है कि बिजली प्रबंधन में जो प्रबंधन का जिम्मा संभालने वाले अधिकारी हैं वो सभी पद खाली चल रहे हैं, उन पदों पर अतिरिक्त चार्ज के भरोसे काम चल रहा है। अगर बात करें बिजली सेक्टर की पूरे की, तो सबसे महत्वपूर्ण है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जो कि बिजली का उत्पादन करता है। 80% बिजली की जो सप्लाई है वो उत्पादन निगम करता है। वहां पर सीएमडी का पद है वो खाली चल रहा है। वहां पर सीएमडी पद का जिम्मा जो है अतिरिक्त चार्ज के भरोसे किया हुआ है। इसके अलावा अजमेर डिस्कॉम में एमडी और डायरेक्टर टेक्निकल का जो दोनों पद जो कि प्लानिंग के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाते हैं, वो दोनों ही पद खाली चल रहे हैं। दोनों पदों पर अतिरिक्त चार्ज के भरोसे ये दिए जा रहे हैं। अगर अजमेर डिस्कॉम की बात करें तो एमडी पद का जिम्मा जो है केपी वर्मा संभाल रहे हैं, जो सीनियर है, उनको अतिरिक्त चार्ज के रूप में जिम्मा दिया हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें जो प्लानिंग थी कि रबी के सीजन में सबसे महत्वपूर्ण होती है बिजली की आपूर्ति और डिमांड के बीच का कोऑर्डिनेशन, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है ऊर्जा विकास निगम, जो कि पूरी लोड मैनेजमेंट का जिम्मा संभालती है। और उस लोड मैनेजमेंट का जिम्मा संभालने वाला जो कंपनी है उसमें एमपी का पद जो है खाली चल रहा है। जो बंसल है, डॉक्टर बंसल है, वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उसके बाद में भानुप्रकाश डेट्रू जो है उनको अतिरिक्त चार्ज वहां पर दिया हुआ है। तो ये देखिए, पूरे बिजली कंपनियों में अधिकांश पद, तकरीबन 10 से 12 पद महत्वपूर्ण पद हैं, चाहे वो डायरेक्टर की बात करें, चाहे सीएमडी की बात करें, चाहे एमडी की बात करें, तमाम महत्वपूर्ण पद है। इन सभी पदों पर अभी इस वक्त अतिरिक्त चार्ज के भरोसे जिम्मा जो है टेक्नोक्रेट संभाल रहे हैं और ये वो टेक्नोक्रेट जिनको आगामी 3 से 4 महीने में रबी के सीजन के लिए प्लानिंग करनी है। तो ये सभी लोग असमंजस की स्थिति में इसलिए है क्योंकि उनके खुद के भविष्य को लेकर के वो असमंजस की स्थिति में है, तो वो प्लानिंग किस हिसाब से करें, यही वो वजह है कि पूरा ऊर्जा महकमा इस वक्त इसी फिराक में है कि किस तरह से सरकार का फैसला होता है, किस किस को जिम्मेदारी दी जाती है, ताकि आगे पूरी प्लानिंग के साथ काम किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका।